बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे प्रशांत जी, आपको कहीं भी कुछ भी हो, एनी वेयर इफ यू आर स्टक, ठीक है, यू कैन आस्क, यूज जी पामिस्ट्री, हाँ जी ठीक है, पामिस्ट्री, हाँ जी हाँ पामिस्ट्री जो पहले आप इसको पढ़ते भी रहिए स्क्रीन पे, मैं बोल भी देता हूँ। पामिस्ट्री जो हमारा ना, ओके जो हमारा ओरिजिन ऑफ पामिस्ट्री है, दैट इज सामुद्रिक शास्त्र। ऐसा बोलते हैं कि ओके कीरो, इंडिया, कीरो ने अपने बुक में भी लिखा है कि वो इंडिया आया था। इंडिया में आने के बाद उसने नागपुर या नासिक में, भूल गया अभी, वहां पे जाके उसने कई साल सीखा, और फिर फॉरेन ले जाके उसने, फॉरेन में जाके उसने उस पर काफी रिसर्च किया, तो उसने उसकी हाँ काफी जी करी थी। बट ओरिजिन जो है, अगर आप देखेंगे तो ये सामुद्रिक शास्त्र ही पामिस्ट्री का ओरिजिन। सामुद्रिक शास्त्र में बहुत ओके पार्ट है, एक है हमारा फेस रीडिंग, एक हमारा अंग विद्या। अंग विद्या क्या होता है, कई बार लोग बोलते हैं नहीं आपके पैर में तिल है तो ये बहुत ज्यादा चक्कर लगाएगा, वैसा वैसा। और जो थर्ड पार्ट है वो पामिस्ट्री है, तो हम यहाँ पे सामुद्रिक शास्त्र का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे, पामिस्ट्री है, जो कि बहुत ही डिटेल्ड और बहुत ही एग्जॉस्टिव है, ठीक है। ओके पामिस्ट्री का यूज क्या है, जनरली आप देखेंगे ना तो लोगों के पास मैक्सिमम 12 से 13 क्वेश्चन ही होते हैं, ठीक है, क्या क्या हो सकते हैं हाँ आपके, जी किसी के क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। लाइफ में कितना साल जीऊंगा, लाइफ लाइफ लॉन्जिविटी हो गया, ठीक है, वो कितने लॉन्जिट्यूड हो गया। साल जीऊंगा, तो आप उसको लॉन्जिविटी बोल सकते हैं, कि वो पूछेगा कि मेरी लॉन्जिविटी कितनी है, करेक्ट, करेक्ट करेक्ट। लॉन्जिविटी एक हो गया। और क्या पूछ सकता है कोई आपसे। हाँ, मेरे एजुकेशन कैसा रहेगा मेरा? तो एजुकेशन हो गया, अपना एजुकेशन के बारे में पूछ सकता है। आप पामिस्ट्री से दोनों चीजें बहुत इजीली बता सकते हो। आप ये नहीं बता सकते पामिस्ट्री से कि भाई तुम एमबीए करोगे या बीए करोगे, पर आप ये बता सकते करेक्ट आपकी एजुकेशन का लेवल क्या होगा, आप पढ़ाई में कैसे, करेक्ट आप करेक्ट। अपने बच्चों का हाथ देख के बता सकते हैं कि बच्चे पढ़ाई में कैसे होंगे, ठीक है। तीसरी अच्छा ओके ओके चीज, फिर तीसरा क्या हो वेल्थ, सकता मनी मनी वेल्थ। है, हाँ, मनी, मनी पामिस्ट्री में जितना अच्छा आप बता सकते हो, एस्ट्रोलॉजी में बताना उतना मुश्किल है। अच्छा ओके तो हाथ देके बहुत इजीली बता सकते हो कि आपके पास वेल्थ होगा तो किस हिस्से होगा, और कब कब आपका वेल्थ का लॉस है, कैसा आपका हाँ वेल्थ, जी कितना वेल्थ होगा, आपको ससुराल से धन मिलेगा या नहीं मिलेगा, मेल, ओके क्योंकि फीमेल में ससुराल से धन मिलने का ऑप्शन खत्म हो जाता है, क्योंकि ससुराल से तो मिलता ही मिलता है, ठीक है, तो करेक्ट ससुराल से करेक्ट धन मिलेगा, आपका पत्नी से सपोर्ट रहेगा कि नहीं रहेगा, जैसे मैं भी, हाँ, मैंने आपको तीन ऑप्शन दिए, तीन में आपने एक बताया, तो मनी आप बहुत अच्छे से बता सकते हो और बहुत क्लियरली बता सकते हो, मतलब 100% एक्यूरेसी के साथ बता सकते हो। और क्या हो सकता है, मैं सेटल अब्रॉड में रहूंगा कि वर्किंग इंडिया में, आई मीन से नेटिव हाँ, कंट्री में रहूंगा कि बाहर तो जाऊंगा? इसको ट्रैवल बोल सकते हैं, करेक्ट, इसको ट्रैवल, ट्रैवल। आप हाँ ट्रैवल का बहुत अच्छा आप बता सकते हो कि देखो ट्रैवल के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जो हम अपने एक, हमारा एक चैप्टर ट्रैवल का, आप फॉरेन ओके से ट्रैवल कर सकते हो, एक तो पैसा कमाने के लिए, जॉब के लिए, ठीक है, करेक्ट हाँ जी बिजनेस करेक्ट या जॉब के लिए जा सकते हो, दूसरा आप एजुकेशन के लिए जा सकते हो, आप अवार्ड या रिवॉर्ड के लिए भी फॉरेन जा सकते हो, करेक्ट 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 करेक्ट, और आप टहलने घूमने फॉरेन जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आज की डेट में ये बहुत इजी हो चुका है, तो देश काल परिस्थिति के हिसाब से आप किसी के हाथ रखोगे और उसमें ट्रेवल लाइन नहीं है, मगर वो बोलेगा सर कल ही तो मैं बैंकॉक होके आया, वो चीजें यहाँ मैटर नहीं करेक्ट करेंगी, मैटर नहीं करेंगी, क्योंकि वो चीजें बहुत इजी हो चुकी हैं, पहले 7 समुद्र पार बहुत कठिन होता था, अब कठिन नहीं है, तो अभी हम जो ट्रैवल देखेंगे वो जॉब के लिए देखेंगे, अवार्ड रिवॉर्ड के लिए देखेंगे, हायर एजुकेशन के लिए देखेंगे, बिजनेस के लिए देखेंगे, ठीक है। करेक्ट और क्या देख सकते हैं, मैरिज लाइफ कैसा रहेगा? यस, मैरिज, आप आज से आप किसी की क्या क्या बता सकते हो, मैं आपको बता रहा हूँ, आप मैरिज बता सकते हो कि आपकी एक शादी होगी, दो शादी होगी, मैरिज के साथ ओके मैं ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी लिख रहा हूँ, ये आप बहुत ओके किसी का बहुत इजीली बता सकते हो कि आप ये दिस ओके मैन या वुमेन इज इन्वॉल्व इन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और नॉट, बहुत इजीली बताया जा सकता है, ठीक है। अच्छा ओके इसका ओके एक सब पार्ट है, आप हाथ देके बता सकते हो आपकी लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है, बट दिस कॉन्सेप्ट इज ओनली इन एशियन कंट्री, नॉट, ओके ओके आप हाथ देके इजिली ओके बता सकते हो, इसकी एक्यूरेसी आपकी ओके 100% से ऊपर जाएगी कि आपकी लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है, करेक्ट। ओके ओके और बताइए क्या बताया जा सकता है, बच्चों के बारे में, बच्चे कितने होंगे, आई मीन ऐसा। बच्चों के बारे में पामिस्ट्री में बताना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, ऑलमोस्ट नॉट अच्छा एक्यूरेट आएगा, एक्यूरेट नहीं आ सकता। तो ओके हाँ रीजन क्या है प्रशांत जी, दुनिया में कुछ जी चीजें होती हैं, कुछ चीजें वुड होती हैं, वुड मतलब ओके इतने सारे कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते नहीं थे, कुछ होते नहीं थे, ठीक है,
आज के हाँ जमाने जी में फैमिली प्लानिंग का कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो पहले के जमाने में नहीं होते थे, करेक्ट? अच्छा तो ओके बच्चों के हाँ बारे हाँ में आप एक्यूरेसी से नहीं बता सकते, फिर आपका प्रेडिक्शन वो अच्छा गलत होने के चांसेस हैं, और चार्ट से भी बताना बहुत मुश्किल है। बहुत 10-15 साल का अभ्यास लगेगा कि ये चार्ट से भी आदमी बता पाए कि कितने बच्चे होंगे, ठीक है? और क्या बता सकते हो आप? ओके तो हम ये नहीं बता सकते कितने बच्चे होंगे, वो दैट वी कांट फाइंड। देन वी कांट फाइंड, इवन चार्ट से भी नहीं फाइंड कर सकते, बहुत मुश्किल है। आपके हाथ में चार बच्चे बोलोगे पर उसने दो ही पैदा करने, दो बच्चों के बाद उसने वो कुछ ऑपरेशन करवा लिया या बहुत सारे मेथड वो ले लिए, तो आप क्या करेंगे, है ओके ओके ना? भरे उसके हाथ में चार है, ठीक है? वैसे भी मेल के हाथ से बच्चे बताना मुश्किल है, क्योंकि मेल तो ओनली सीड है, फर्टाइल ओके ओके ना, तो मेन वुमेन में होता है, तो वो भी हम पढ़ेंगे, वो पूरा चैप्टर हम पढ़ेंगे, ओके आप उस पर रिसर्च करिएगा, मेरा भी रिसर्च उस पर चालू है, ठीक है? प्रिडिक्शन ओके तो का बट वो 50% एक्यूरेसी जाती है, तो इसलिए मैं उसको बोलता हूँ कि ये उतना सही जाता नहीं, फिर भी मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे देखते हैं, ठीक ओके है? और क्या नहीं क्या बट बता सकते हैं? मतलब आप बोल रहे हो कि बट हो सकता है, बट देख सकते हैं मतलब फीमेल के हैंड से देख सकते हैं, ऐसे बोल रहे हाँ हो हाँ पूरा चल हारे हमारे सामुद, मैं अपने कोर्स में आपको सिखाऊंगा कि चाइल्ड लाइन कैसे आप। हैं, पूरा मैं सिखा, ओके पर मैं क्या बता रहा हूँ कि उसकी एक्यूरेसी आपकी ओके अच्छी नहीं लगी। ओके और क्या देख सकते हैं, मेल होगा या और फीमेल होगा ये भी देख सकते हैं, ये मैं आपको बिल्कुल लास्ट दे सिखाऊंगा, और मैं आपको सिखाने से पहले बताऊंगा कि आपको ये किसी को बताना नहीं, ठीक ओके है? आप स्टूडेंट है इसलिए मैं सिखाऊंगा कि मेल और फीमेल, वैसे भी इसको ना ही सीखेंगे हम लोग तो ज्यादा अच्छा है, फिर भी मैं आपको कोशिश करूंगा सिखाने, ठीक है? और बताइए क्या सिखा, क्या क्या देख सकते हैं? नेम, हाँ फेम, ठीक या नेम फेम ओके या है? कैरियर, हाँ जी कैरियर हाँ ठीक है? पेरेंट्स का पता चलता है इसमें समथिंग, आई मीन समथिंग पेरेंट्स स्पाउस का हेल्थ ऐसा कुछ वी कैन फाइंड नहीं, आउट दिस दिस नहीं, पाम बिलोंग्स टू यू ओनली, माय मी ओनली या यस यस योर पाम्स। ओके आप बता सकते हो कि मदर के साथ रिलेशन कैसा होगा, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, ओके के साथ रिलेशन कैसा होगा, मैं इन लॉस मदर ओके के साथ, कई बार आप हाथ में देखोगे और आप हाथ देख के बता सकते हो कि आपका आपकी माँ के साथ रिलेशन बहुत खराब है, और जनरली वो आदमी एक्सेप्ट कर लेता, हाँ मेरे मदर के साथ मेरा रिलेशन खराब ओके ओके है। सो ये जो आपके 11-12 चीजें हैं, ठीक है, लॉन्जिविटी हो गया, एजुकेशन हो गया, मनी हो गया, ट्रेवल हो गया, मैरिज हो गया, मैरिटल अफेयर हो गया, लव हो गया, अरेंज मैरिज हो गया, चिल्ड्रेन हो गया, जेंडर हो गया, नेम फेम हो गया, कैरियर हो गया, बिजनेस हो गया, मदर के साथ रिलेशन हो गया, ये सारी चीजें जो हैं आपका, और जो हमारा मैरिज में हम और क्या क्या कवर करेंगे, मैरिज लाइफ कैसी होगी, मैरिड लाइफ, ओके हाँ मैरिज हाँ सबसे बड़ी चीज है जो हम बहुत एक्यूरेसी के साथ बताएंगे, वो डिवोर्स ओ ओके और मैरिड लाइफ। आप किसी का हाथ देके बता सकते हो, कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ हाथ टच करके बता सकते हो इस आदमी की मैरिड लाइफ कैसी होगी, सिर्फ आपको ओके ओके टच करना है, और अब आप खुद ही बता दोगे कि भाई तेरी मैरिड लाइफ तो बहुत खराब है, वो हम ये सारा, दिस इज द यूजेस ऑफ पामेस्ट्री, और ये जितना मैंने बताया एक्सेप्ट दिस पॉइंट, सबकी हाँ एक्यूरेसी जी 90% के ऊपर जाएगी थोड़ी प्रैक्टिस के साथ। ओके ओके और मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि पामेस्ट्री चार्ट को एक साथ कैसे देखेंगे, आप किसी का हाथ देके बता दोगे कि आपका सन खराब है या सैटर्न खराब है या मून खराब है जी या वीनस खराब है, अगर आपको चार्ट थोड़ा भी देखना आता होगा तो आप बता लेगा, अच्छा ओके ठीक है? ठीक हाँ जी हाँ जी है, आगे चलें, ठीक हाँ जी हाँ जी है हाँ जी आप? हाँ ओके हाँ, ये आपका पामिस्ट्री का यूसेज है, ठीक? हाँ जी अच्छा, अभी इसमें है कि हाउ टू टेक पाम प्रिंट, ठीक है? अभी पाम प्रिंट कैसे लेना है, पाम प्रिंट क्या क्या लेना है, देखिए सब पहले जमाने में क्या होता था, कैमरे वैमरे तो थे नहीं, जी तो लोग क्या करते थे, कैमरे नहीं थे तो लोग क्या करते थे, पाम का प्रिंट लेते थे, इंक लगाते थे, पेपर पे रखते थे, वैसा करके लेते थे, करेक्ट? करेक्ट आज के हाँ जी जमाने में हाँ हाई एंड कैमरा है, जैसा चाहो हाँ वैसा, जी करेक्ट? जैसा चाहो आप वैसा कर लो, हाई एंड कैमरा है, जितना चाहो मेगा पिक्सल का अच्छा कैमरा,
तो अभी दो तरीके हाँ हैं जी कि एक ऑफलाइन हो गया और एक ऑनलाइन, ठीक है। अगर आपके पास कोई हाथ दिखाने आ गया कि भाई मेरे पास कोई हाँ हाथ जी दिखाने, अब मैं तो मुझे क्या करना है, तो आपको ना कोशिश करना है कि उस आदमी का हाथ आपको क्या नाम है सनलाइट में ले देखना है, ठीक है। ओके ओके हाँ सनलाइट जी में हाँ जी देखना है और कोशिश करना है कि उस आदमी ने कम से कम 1 से 1.5 घंटे पहले वो खाना खाया हो। ओके क्या होता है, खाना खाने के बाद ब्लड सर्कुलेशन कहीं कहीं पर ज्यादा हो जाता है, तो कई बार बड़ी लाइनें और बाहर हो जाती हैं, छोटी लाइनें दब जाती हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि बड़ी लाइनें, मतलब मैं वो सब देख पाऊं जो मुझे देखना है, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है, ओके अगर आप यहाँ पे ध्यान देखेंगे तो मैंने लिखा भी है, सबसे पहली हाँ बात जी दोनों हाथ की फोटो लेनी है, ठीक। हाँ जी हाँ जी पानी बिल्कुल साफ क्लीन एंड ड्राई होना चाहिए, प्रॉपर लाइट होना, कोई भी शेडो नहीं होना चाहिए, नो शेडो, ठीक है। करेक्ट या और खाना जो है 1-1.5 घंटे पहले हो या फिर ना भी खाया हो तो चलेगा, कभी भी हाथ देखना होना हो तो ओके फॉर्मेट है, दिस इज द फॉर्मेट। देखिए ये वाला जो ओके फॉर्मेट बनाया हुआ है, ये फॉर्मेट में आपको दिखेगा कि ये जो फॉर्मेट आप देख रहे हो ये, ठीक है। फॉर्मेट हाँ जी हाँ जी देखेंगे, इस फॉर्मेट में हम देखेंगे दोनों चीजें देखेंगे, उसका पूरा पूरा हाथ देखेंगे, ये फॉर्मेट में हम देखेंगे राइट हैंड और ये फॉर्मेट में लेफ्ट हैंड, और ये फॉर्मेट में डोर्सल साइड, ये सर डोर्सल तक देखते हैं। डोर्सल हाँ जी साइड्स में हम देखेंगे, हमें पता चलेगा कि बंदा एक्चुअली में क्या क्या चल रहा है, ठीक है। हाँ जी हाँ अभी आगे चलते हैं, विच पाम शुड रूट, एनी आइडिया कौन सा पाम पढ़ना चाहिए कौन सा पाम नहीं पढ़ना चाहिए, एनी आइडिया, एनी गेस। जितना अब मैं आई थिंक राइट हैंड देखिए ये एक क्वेश्चन जो काफी कंफ्यूजन रहता है, आप हमेशा हाँ ये जी हाँ ध्यान रखिए कि मेल का, जी ठीक है, मेल हाँ का हाँ जी हमेशा, ठीक है, ओके हाँ मेल का हमेशा राइट हैंड देखेंगे और फीमेल जी का लेफ्ट हैंड देखेंगे। अब इसमें भी मेल कुछ, का राइट हैंड हाँ इसमें भी ओके कुछ कंडीशंस हैं, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे देखते हैं। मेल का राइट आपका बताता है उसका प्रेजेंट एंड फ्यूचर, हाँ जी ठीक है, और जो फीमेल का लेफ्ट जी हैंड, फीमेल और मेल का, सॉरी, मेल का राइट हैंड बताता है प्रेजेंट एंड फ्यूचर, लेफ्ट हैंड बताता है पास्ट। ओके फीमेल का दिस इज नॉट वर्किंग, दिस इज नॉट अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली, करेक्ट, ओके ओके हाँ जी हाउस, दिस इज अ हाउस मेकर। तो उसका लेफ्ट का प्रेजेंट एंड फ्यूचर बताता है और उसका राइट हैंड उसका पास्ट बताता है, ठीक। बट इफ इफ सी, शी इज हाउस मेकर हाँ, इफ सी इज अ हाउस मेकर, बट इफ सी इज हाँ ए, जी बट इफ सी इज ए, सपोज फॉर एग्जाम्पल, इफ सी इज ए अर्निंग मेंबर ऑफ ए फैमिली, करेक्ट, हाँ जी हाँ तो फिर उसका और मेल का सेम हो जाता है। ओके ओके आप समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ जी हाँ हाँ, कैन यू रिपीट फॉर माई अंडरस्टैंडिंग। फॉर मेल का वी सी जो उनका प्रेजेंट एंड फ्यूचर देखना होता तो राइट हैंड देखते और उनका जो पास तो लेफ्ट हैंड देखते हैं। हाँ अगर हाउस मेकर है तो अब इफ द गर्ल इज अ हाउस मेकर देन वी सी हर लेफ्ट हैंड फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर एंड फॉर अ पास्ट वी सी द राइट हैंड। बट इफ द गर्ल इज वर्किंग इज अर्निंग देन वी इट सेम एज द मेल मेल हैंड दैट इज द राइट करेक्ट, इफ इट इज इफ शी इज अर्निंग देन इट इज द सेम एज अ मेल, करेक्ट। करेक्ट या हाँ ये मैं सारा आपको भेजने वाला हूँ, ठीक है। वेन जी सी पाम, पाम आपको कोशिश करना है, मैंने आपको बोला आपको हमेशा सनलाइट में देखना है, कोशिश करना है कि सनलाइट में देखना है, और अगर ऑनलाइन किसी ने मंगाया तो उसको बोलना है कि अच्छी अच्छी लाइट में भेजना है और उस पर कोई शेडो नहीं होना चाहिए। और ऑनलाइन देखना ज्यादा इजी है क्योंकि वो मेगापिक्सल, अच्छे मेगापिक्सल से उसने लिया होगा तो क्लैरिटी ज्यादा अच्छा रहेगा, करेक्ट। अच्छा तो जैसे कि आज मैंने आपको भेजा तो सन मैंने क्लोज रूम से भेजा तो शायद क्लियर तो इट शुड हैव बीन मोर क्लियर राइट हाँ क्लियर था, मतलब आप किसी का हाथ लेके बैठे हो देखने के लिए तो आप कोशिश करो कि मैं उसको सनलाइट में देखूं। बट इफ समबडी ओके स्टैंड करेक्ट ना अंडर द सन, अंडर द गुड लाइट, सो इट शुड नॉट दैट दैट शेडो ऑफ दैट लाइट इज फॉलिंग ऑन पाम, अदरवाइज वो आएगा नहीं, ठीक करेक्ट हाँ जी है। हाउ टू स्टार्ट एनालाइजिंग, आप ना किसी का भी हाथ देखने के बाद एकदम से हमें बोलना नहीं है कुछ भी, ठीक है, ओके नेवर ओके ओके इमीडिएटली स्टार्ट रीडिंग पाम, बट पहले आपको सामने वाले को पूरा टाइम देना है कि प्लीज टेल अबाउट हिम,
रीजन क्या है, टाइम प्लेस एंड पर्सन से बहुत कुछ चेंज हो जाता है. सो यू आर ओके मैंगलोर, करेक्ट. करेक्ट? यू आर मैंगलोर. अच्छा आप मुझे बताओ कि अगर मैं बोलूं कि देर इज ए बॉय सर्टेन, देर इज अ बॉय बंगाली और उसकी दी 34 हुई है, तो इट इज अ लेट मैरिज और अर्ली मैरिज? 34 हो गए. इट्स अ लेट मैरिज. नो, इट इज नॉट लेट मैरिज. इफ समबड इज अ मारवाड़ी और उसकी 34 पे शादी हुई, इट इज अ वेरी लेट, करेक्ट? ओके बट इफ सी इज, इफ समबड इज, हाँ, बट इफ समबड हाथ देख के, हाथ देख के पता कैसे लगा कि मुझे पता है, आपको पता होगा कि ये मारवाड़ी है, बट कोई अब जैसे कि वी आर गोइंग टू अननोन पर्सन, हाउ विल दैट पर्सन नो वेदर इज अ गुड मारवाड़ी है क्वेश्चन, और दैट इज अ गुड क्वेश्चन, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि हाथ देख के कैसे पता चलेगा कि ये बंदा मारवाड़ी है या कौन सा है, करेक्ट है ना? देखो करेक्ट. सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि मैंने अभी बताया आपको कि गिव फुल टाइम एंड स्पेस टू द नेटिव टू नरेट हिज क्वेश्चन प्रॉपर, करेक्ट? ओके फर्स्ट लेट हिम स्पीक एज मच एज पॉसिबल, ओके यू कैन अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट एरिया टू रीड. Once a native finishes telling his problem of area reading, you should ask certain question to know better about the native. Astrology and palmistry are dependent on. नोइंग द नेटिव. आपने हाथ देखा और बोला मैरिज 35 पे है, ठीक? हाँ मारवाड़ी जी या लड़की होगी तो 35 साल की तो शादी बहुत लेट हो गई यार, बहुत ही लेट हो गई, करेक्ट? करेक्ट. हाँ हो सकता है किसी सर्टेन कम्युनिटी में वो लेट ना हो, तो आप क्या बोलोगे कि नहीं है? नहीं बोल सकते ना आप. बट सर उसका उसका नॉलेज भी होना चाहिए. बंदे को जीके भी होना चाहिए कि मारवाड़ी में अर्ली शादी होती है, किसी यस, कास्ट में इसके ले लिए शादी क्या है. यस यस यस, दुनियादारी नहीं आएगी तो आप एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री कैसे करोगे इसके लिए? ओके हाँ अभी आप किसी अंग्रेज को बोलो तुम्हारी लव मैरिज है, बोलेगा व्हाट इज दिस, हाँ मैरिजेस आर लव मैरिज इन यूएस. I करेक्ट. told some very, I was discussing with some my foreign client. So I just told her there's a concept of arranged marriage in India. Okay. And now she was astonished. What is arranged marriage? I explain, explain, explain. Then she even not able to digest ki parents go and find a girl for a boy. She was not करेक्ट. able to adjust this. So time, place and person ke saath sab change ho gaya na. हाँ जी करेक्ट हो गया ना? इसके लिए आपको उस बंदे को पूरा बोलने का मौका देना है, पूरा आपको जब तक वो बोल रहा है तब तक आपको उसको सुनना है, समझना है, ठीक है? व्हाट व्हाट टू एनालाइज फर्स्ट में लिखा हुआ है आपको ना, जब व्हेन यू रीच अ सर्टेन लेवल, आपको हाथ में ना सबसे पहले, एक तो उसने बोला कि मुझे मेरे ये, जैसा आपने मुझे भेजा कि मेरे को ब्रेसलेट के बारे में बता दीजिए, करेक्ट? करेक्ट. कोई कस्टमर आप, कोई आया आपके पास नेटिव की मुझे ब्रेसलेट के बारे में बताइए, तो आपको ब्रेसलेट के बारे में तो बताना ही बताना है, करेक्ट? मगर करेक्ट. जब भी आप ये पढ़िए, वेरी मच ऑब्वियस टू ऑब्जर्व इन ए हैंड वेयर विदाउट एनी एफर्ट योर अटेंशन गोज इमिडिएटली. आपको सर्टेन हैंड ऐसे मिलेंगे जिसमें आपका अटेंशन सर्टेन पॉइंट्स पे बिना किसी एफर्ट के चला जाएगा, करेक्ट? करेक्ट. हाँ जी वो एरिया पे आपका ध्यान पहले जाएगा, वो पहले आपको पढ़ना है, अदरवाइज जो नेटिव ने क्वेश्चन किया है वो क्वेश्चन का आंसर आपको पहले करना है, ठीक है? करेक्ट. हाँ जी बहुत सारे क्वेश्चन है जिसका आंसर नहीं दिया जा सकता पामिस्ट्री में, जैसे मेरे बार मैं 12th में पास हो जाऊंगा कि फेल हो जाऊंगा, मेरे कितने परसेंटेज आएंगे. अगर आप ग्रुप में होंगे तो एक बार एक लड़के ने मुझसे पूछा था मेरी हाइट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, करेक्ट? हाँ जी ये सारी चीजें आप चार्ट से बता सकते हो, कुंडल पाम से बताना बहुत मुश्किल है, ठीक है? ओके ओके वेन टू स्टार्ट प्रेडिक्शन, वेन टू स्टार्ट हाँ जी प्रेडिक्शन, देखिए फर्स्ट नेटिव हैज टोल्ड यू अबाउट एवरीथिंग, करेक्ट? मैं हाँ जी आपके पास कोई आया, उसने आपको अपने बारे में सब बताया ऐसा ऐसा करके, फिर आपके उसके कुछ पास्ट के इंसिडेंट आपको उसको बताने हाथ देखते हो कि आपके साथ ऐसा हुआ, जैसे मैंने अभी आपको क्या बोला, आप बचपन में बीमार थे, आपने तुरंत एक्सेप्ट किया, देख करेक्ट. हाँ हाँ आपको जी ट्रस्ट आया मेरे पे कि नहीं आया? आया, हाँ ऑफ कोर्स आया. आया, या ऑफ कोर्स है ना, आपका ट्रस्ट है. अगर मैं सीधे बोलना शुरू करूं 45 के बाद आपके पास पैसा आएगा तो आप बोलोगे यार डोंट नो वेदर ही इज राइट और रॉन्ग, डोंट नो. बट अगर मैंने आपको बोला आप करेक्ट. अपने पेरेंट्स से चेक करो, बचपन में आप बहुत बीमार रहते थे, आप बाल वृष्ठ रोग था आपको, तो
तो आपने खुद ही बोला कि मेरे पेरेंट्स बताते मैं बहुत बीमार रहता था, बहुत हॉस्पिटलाइज रहता, तो आपका एक सर्टेन लेवल का कंफर्ट आया, करेक्ट? तो आपको करेक्ट, अपने या पास्ट इंसिडेंट्स बताने हैं और हमेशा आपको दोनों हाथ देखने हैं, ठीक है? ओके, जब आप जब व्हेन यू बिल्ड योर ट्रस्ट, जब हाँ आपका जी, ट्रस्ट हो जाएगा, फिर आपको बंदा वो भी बात बताएगा जो उसने आपको कभी नहीं बताई होगी, किसी को नहीं बताएगा, वो आपको बताएगा, ठीक है? करेक्ट, हाँ जी, उसके बाद पूरा हाथ देखने में बिगनर्स को 2 से 3 घंटे लगते हैं, ठीक है? अगर कोई हाँ जी, कंप्लीट एनालिसिस के लिए आएगा तो आपको 2 से 3 घंटे लगेंगे उसका पूरा हाथ देखने में, ठीक? ओके ओके, करेक्ट, या अभी आगे देखते हैं, व्हाट टू टेल एंड व्हाट टू नॉट टेल, ठीक? सर मुझे एक और डाउट आ गया, सॉरी, बिल्कुल जब आप बिल्कुल बोल रहे थे बिल्कुल जो मैं ब्रेसलेट जो दिखा रहा था, वो जो मेरा पहला लाइन था जो हेल्थ का, वो बहुत डिवाइडेड है, तो दैट मींस माय हेल्थ विल नॉट बी गुड थ्रू आउट माय लाइफ, ऐसा कुछ है? ऐसा था ना आपका, ऐसा हाँ, मतलब अगर मैं तो ऐसे किया था, हाथ बैंड करके क्लीन आई बोल के फोटो निकाला था, नहीं, बट आपका नॉर्मल स्ट्रेट आपको, बिल्कुल आपका हेल्थ लाइन में कोई इशू नहीं था, नो इशू अच्छा, नो इशू, हेल्थ लाइन में, ओके हेल्थ ब्रेसलेट में कोई इशू नहीं था, ठीक है? ओके और अभी हम जब आगे ओके बढ़ेंगे तो सर, आप खुद ही कैलकुलेट कर लोगे अपनी लाइफ लाइन से देख के कि आपकी लॉन्जिविटी क्या है, क्या है, ठीक है? ओके सर, है मेरे मेरी बुक पब्लिश होगी तो ना, मैंने 4-5 इंसिडेंट लिखे हुए। आई वॉज इन सम पूजा फंक्शन, तो वहाँ पे कोई पंडित जी आए थे, वो पूजा करवा रहे थे, तो उसके पूजा में अच्छा उन्होंने कुछ 7 to 8 बुक्स लिखी हुई है एस्ट्रोलॉजी पे, ठीक है? पामिश ओके, अच्छा भी। ठीक तो मैं अभी आपको बिल्कुल जहाँ पे हूँ, आपने बिल्कुल सही समय पूछा, व्हाट टू टेल व्हाट टू नॉट टेल। तो उसमें कोई लेडी थी, उन्होंने अपने बच्चे का हाथ दिखाया, तो उसकी लाइफ लाइन बहुत छोटी थी, स्मॉल लाइफ लाइन। तो उन्होंने बोला ये तो जिंदा नहीं रहेगा, 8-10 साल में ये मर जाएगा। अब वो दैट लेडी स्टार्ट क्राइंग लाइक एनीथिंग, समबडी सजेस्टेड कि भाई एक बार इनसे भी दिखा लो, ही इज ऑल्सो वेरी फेमस। सो शी केम मी एंड शी वॉज जस्ट क्राइंग एंड ऑल। आई सेड फर्स्ट स्टॉप क्राइंग, लेट नो व्हाट व्हाट इज द इशू। आई वॉज ऑल्सो इन दैट पार्ट ऑफ पूजा, बट मैं थोड़ा अलग बैठा हुआ था, जो पूजा में दूर तक बैठे रहते हैं। मेरी मदर लेके आई और उनको बोला कि देखो, तो मैंने कैलकुलेट किया और मैंने कहा आपके बच्चे की उम्र 65 साल है, 65 साल से ओके, इसको कुछ नहीं हो सकता, बीमार कोई भी पड़ सकता है, पर इसकी डेथ 65 साल से पहले नहीं हो सकती, ठीक है? और इस बात को 8 से 10 साल हो गए। तो ओके, आप आराम से देखो, बीमार पड़ना किसी के हाथ में नहीं है। अभी आप छत से कूद ही जाए, कोई बोले अरे मेरे को तो पंडित जी ने बोला था मुझे कुछ होगा नहीं, भाई आप कूद ही तो चोट तो लग ही जाएगी आपको। आपने अपने भाग्य के अगेंस्ट में जाके काम कर लिया ना, ठीक है? करेक्ट, आप यहाँ पे वो चीज आप देख सकते हो। तो आपको सबसे पहले व्हाट टू टेल व्हाट टू नॉट टेल, जेंडर कभी नहीं बताना है, जो पेट में बच्चा है उसका जेंडर क्या है, दिस इज अगेंस्ट लॉ, ये आपको कभी नहीं बताना, ठीक है? ओके डेथ आपको कभी नहीं बतानी है, ठीक? ओके डेथ कभी नहीं, ओके, किसी भी कीमत पे डेथ नहीं बतानी है। और मेरा एक अपना प्रिंसिपल है, मैं फीमेल का हाथ हमेशा अकेले में डिस्कस करता हूँ, मैं किसी के सामने डिस्कस नहीं करता। ओके, और ये मान के चलना है, अगर आप 70% प्रेडिक्शन सही कर रहे हैं तो बाकी 30% ईश्वर के हाथ में है, किसी के हाथ में नहीं। ये ओके आप ये यकीन कर लीजिए कि आपको स्वयं कोई देव पुरुष भी उतर के अगर आपको बता रहा है कि भाई तुम्हारे किसी की मौत 50 साल पे है, तो ये मान के चलिए कि 90% गलत ही होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हाँ अभी भी अपने हाथ में रखी हुई जो किसी को नहीं दिया हुआ है, ठीक है? तो ओके सबसे इम्पोर्टेंट ओके, चीज है वो बचाने बताने का तरीका होता है। जैसे मैं किसी को बोलता हूँ तो उसको बोलता हूँ भाई आप एक अच्छा सा टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए। तो अब कई लोग बोलते सर आप इंश्योरेंस एजेंट भी हो क्या? मैं बोलता हूँ मैं बिल्कुल नहीं हूँ, पर मैं बोल रहा हूँ आप एक अच्छा सा टर्म इंश्योरेंस और एक मेडिकल इंश्योरेंस ले लीजिए। अब जिसको समझना है पूछते हैं क्यों, तो मैं उनको बोलता हूँ भाई कोई इमरजेंसी आ गई तो आपको काम आएगा, ठीक है? अपने कहने का तरीका बता रहा ओके, हूँ, अपना तरीका देख लीजिए। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, तो कई या लोगों ने मेरे कहने पे बहुत सारी पॉलिसी भी ली है और बाद में मेरे को फोन करके बोला सर बच गए, सर आपने बताया और ये देखिए क्या हो गया। तो उसमें क्या होता है, आप किसी को बोल सकते हो कि आप भाई एक अच्छा सा टर्म इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस ले लीजिए, ताकि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आए, क्योंकि दिख रहा है मेरे को फ्यूचर में प्रॉब्लम आने के चांसेस हैं। डोंट से डायरेक्टली अरे तुम करेक्ट, बीमार पड़ जाओगे, मरी जाओगे, ये सब डोंट, ये सब कभी नहीं बोलना, ठीक है? तो करेक्ट, या ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया।
अभी वो पूरा 10 मिनट में ये खत्म होगा, हम वापस इसी इसी से लॉग इन करेंगे, और इसमें जब तक ये चल रहा है तब तक चलेंगे, ठीक है। हाँ जी सर, हाँ जी, ओके देखो क्लासिफिकेशन ऑफ हैंड में मैं आपको बता देता हूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ हैंड में हमने ना अपने हाथ को चार पार्ट में, क्लासिफिकेशन हार्ट में हमने चार पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। पहला हाँ जी, हाँ है हमारा, जी, पहला है हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर, आप अगर देख रहे होगे तो नोट में लिखा भी हुआ है, ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ जी, दूसरा स्किन टेक्सचर है, जो मैंने आपको बोला हाँ जी, हाँ मैरिड लाइफ कैसी होगी, सिर्फ आप हाथ मिला के बता सकते हो उसकी मैरिड लाइफ खराब है कि नहीं, आज आप पढ़ोगे पे अच्छा, आप एक्सपीरियंस हाँ करके, जी, आप किसी का नेचर बता सकते हो। ओके मुझे आप बताओ ओके नेचर और बिहेवियर सेम है कि अलग अलग है? नेचर बिहेवियर अलग है। आप बताइए जरा, एक्सप्लेन करिए। नेचर मतलब अब जैसे कि मेरा नेचर, मैं सॉफ्ट स्पोकन हूँ कि हार्श स्पोकन हूँ, वो मेरा नेचर है। बिहेवियर मतलब मैं कैसे किसी और आपके साथ कैसे बिहेव करता हूँ, रूडली बिहेव करता हूँ कि अच्छी तरह बात करता हूँ, वो वो बिहेवियर हो तो गया। मैं आपको बताता हूँ, ये हो गया परमानेंट, ये आपको ब्रह्मा ने करके भेजा, और ये हो गया टेम्प्रेरी। जैसे आप अपने बॉस से मिलोगे तो गुस्सा नहीं करोगे ना, हाँ जी, करेक्ट और आपका असली नेचर तो आपकी वाइफ जानती होगी ना आपका असली नेचर क्या है, क्योंकि आपके करेक्ट, सही साथ बोल लंबे रहे समय तक रह रही है, तो ये आपका रियल नेचर वहां पे दिखता है, करेक्ट। आप अपने हो, कलीग करेक्ट, के साथ, पड़ोसी के साथ, बॉस के साथ आपका क्या बिहेवियर है वो टेम्परेरी है, तो जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है वो सिर्फ बिहेवियर पे हो सकता है, नेचर को आप चेंज नहीं कर सकते किसी का। अगर किसी का करेक्ट, नेचर एग्रेशन है तो वो एग्रेसिव ही रहेगा, उसका बॉस उसके सामने आएगा तो एग्रेशन नहीं रहेगा, उसके सामने सवा शेर आ गया तो एग्रेसिव नहीं रहेगा, करेक्ट। दिस इज करेक्ट, डिफरेंस बिटवीन ए नेचर एंड बिहेवियर। हम जो पढ़ेंगे वो यहाँ पे नेचर पढ़ेंगे। अगर आप किसी का हाथ देख के आपने ये एसेस किया कि आदमी बहुत रूड है, भले वो आपसे कितना करेक्ट, सॉफ्ट स्पोकन हो पर वो रूड ही होगा, अंदर से वो रूड ही होगा। कलर हाँ कॉम्बिनेशन सर, बता सकता है आदमी का हेल्थ कैसा होगा, क्या होगा, नेल से आप बहुत सारे इवेंट और हेल्थ बता सकते हैं। तो इस कुल मिला हाँ के जी, चार पार्ट में अपने पढ़ेंगे कि एक तो हो गया फिजिकल स्ट्रक्चर, एक हो गया स्किन टेक्सचर, एक हो गया कलर कॉम्बिनेशन, और एक हमारा हो गया नेल, हमारा नेल से हमें क्या पता चलता है वो, ठीक है। हाँ जी, हाँ अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, आप ये भी देख लीजिए, ये जो लिखा हुआ है, अगर पाम जी, से बड़ा है, अब पाम का साइज कैसे लेंगे, जहां से ब्रेसलेट लाइन स्टार्ट होती है उसके ऊपर से लेंगे, ठीक हाँ है, जी, टुवर्ड्स जो मिडिल फिंगर जहां से स्टार्ट होती है वहां तक, समझे। ओके, हाँ जी, अच्छा, अगर पाम फिंगर से बड़ा है तो आदमी झगड़ालू होगा, ओके, हाँ ठीक है, जी, आप समझ गए प्रशांत जी, पाम और फिंगर कहाँ से कहाँ से कहाँ से तक, पाम की लेंथ कहाँ से, ब्रेसलेट से जो मिडिल फिंगर है मिडिल फिंगर जहां से वहां स्टार्ट हो तक, रही है वहां तक, ठीक है। वहां तक, आपको शुरू हाँ में जी, एक अच्छी सी स्केल लेनी है और सारा सब कुछ स्केल से करना है, धीरे धीरे स्केल अपने आप गायब हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी, श्योर, फिंगर से छोटा है हाँ जी, यानी फिंगर पाम्स बड़ी हो गई, तो करेक्ट, हाँ जी, फिंगर आदमी इंटेलिजेंट होगा, ठीक है। अगर पाम से बड़ी है तो आदमी इंटेलिजेंट होगा, ओके, करेक्ट, अगर पाम और यू मीन फिंगर बराबर, मिडिल हाँ फिंगर, मिडिल जी, फिंगर नहीं ना, आप नहीं बोल रहे नहीं हो मिडिल फिंगर अगर, हाँ, अगर मिडिल फिंगर आपकी पाम से बड़ी हो गई पूरे पाम के साइज ओके, से, हाँ तो इसका हाँ मतलब जी, आप पर्सन इंटेलिजेंट होगा। ये सारे 100% वाले मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरे पूरे लाइफ हाँ जी, अच्छा है, हाँ जी, पाम और फिंगर बराबर हो गए तो आदमी बहुत लकी होगा, इज विल वेरी, ओह ओके, ठीक है। तो हाँ जी, अगर पाम फिंगर से बड़ा है तो आप देखेंगे आदमी एग्रेसिव होगा, झगड़ालू टाइप का होगा, ठीक। और ओके अगर ओके, पाम फिंगर से छोटा है यानी फिंगर बड़ी हो गई तो आदमी इंटेलिजेंट होगा, ठीक, और पाम और फिंगर हाँ बराबर जी, हो गए तो लकी हो जाएगा, ठीक है। अच्छी ओके, अब हम आते हैं अपने उसमें, हमने क्लासिफिकेशंस में, ठीक है, हाँ जी, ओके, और मैं नोट भेजूंगा, आप अच्छे से पढ़िएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपको कहाँ पे कन्फ्यूजन हो। देखिए पाम क्लासिफिकेशन है ना, वो हाँ जी,
शास्त्र में 39 टाइप का है, ओके 39 तरीके का पाम बताया गया, इतने तरीके के पाम होते हैं। और अगर मैंने 39 तरीके के पाम किसी को पढ़ाने शुरू किया तो आदमी कंफ्यूज हो जाएगा, करेक्ट। हाँ जी वो 39 तरीके के पाम पढ़ के बोलेगा यार इससे अच्छा तो मैं कंफ्यूज ही ठीक हूँ, नहीं पढ़ू तो ठीक हूँ। करेक्ट, हाँ जी हाँ जी हाँ पूरे पूरे फार्म पाम को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, जी ठीक है, हाँ जी स्क्वायर एंड। आप देखेंगे तो यहाँ पे ये स्क्वायर एंड, ठीक है, हाँ जी तो इसको उल्टा लिखना है क्या? हमें हाथ मतलब ऐसे रख जैसे फोटो वैसा ही देख। नहीं, मैंने वैसा लिख दिया है, उल्टा नहीं देखना है। स्क्वायर हैंड, स्क्वायर हैंड कैसे देखेंगे आप, आपको कैसे पता चलेगा पाम स्क्वायर है कि नहीं? जो ब्रेसलेट से लेके ऊपर पूरा पाम तक, फिंगर तक, जहां पे फिंगर्स होती हैं, अगर वो स्क्वायर शेप में है तो पाम स्क्वायर हो गया। मतलब जहाँ पे फिंगर स्टार्ट होती है कि एंड फिंगर नेल्स तक? जहां से फिंगर स्टार्ट होती हैं वहां से लेके ब्रेसलेट तक, ओके अगर स्क्वायर है तो अभी मैं जब ये सेकंड टाइम अपन ऑन करेंगे ना तो मैं वीडियो खोल के आपको पूरा बताऊंगा कि कैसे 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 देखना है, अपने हाथ में बताऊंगा आपको, यू डोंट वरी, ठीक है। ओके ओके एलिमेंट्री हैंड जो होता है वो बिल्कुल अच्छा हाथ नहीं माना जाता, आप देखेंगे किसी किसी का हाथ बहुत, उंगलियां छोटी छोटी होती हैं, टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, ठीक है, उसको एलिमेंट्री बोलते हैं, इट्स नॉट गुड हैंड, बट हाँ इस तरह का भी हैंड होता है, ठीक। और तीसरा होता है मिक्स हैंड, सबसे अच्छा हैंड मेरे हिसाब, मैं मेरी अगर आप अंडरस्टैंडिंग पूछोगे तो मैं मिक्स हैंड को सबसे अच्छा हैंड बोलता हूँ। ओके हाँ सबसे अच्छा हैंड, अगर आप मुझसे पूछोगे सबसे अच्छा हैंड क्या होता है तो मैं बोलूँगा मिक्स हैंड सबसे अच्छा होता है, क्योंकि दे पीपल राइज वेरी गुड इन देयर लाइफ, ठीक है। ओके यू डोंट वरी कि अपन अगर फास्ट जा रहे हैं तो आप बोल देना फास्ट जा रहे हैं, कोई बात नहीं, हम वापस स्लो कर हो जाएंगे, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। नहीं सही जा रहे हैं। अच्छा, स्क्वायर हैंड, दिस टाइप ऑफ हैंड्स आर नोन एज अ यूजफुल हैंड, ठीक है, ये शास्त्र बोलता है। मैंने जो बोला है मिक्स हैंड सबसे अच्छे होते हैं वो मेरा अंडरस्टैंडिंग है, जो शास्त्र बोल रहा है वो मैं आपको यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, ये ओके हमारा हैंड से सुपीरियर होते हैं। सिर्फ याद रखना, अगर स्क्वायर हैंड है तो वो बंदा हार्ड वर्किंग होगा,